दो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, एक्चुअली आपके सपने से। साइंस की ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज यानी अनसुलझे रहस्यों में से एक क्वेश्चन का आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा, और वो क्वेश्चन है व्हाई डू वी ड्रीम। और सेकंड टॉपिक है लूसिड ड्रीमिंग, जिसमें आप जब सपना देख रहे होते हो तब आप अवेयर होते हो यानी जान रहे होते हो कि आप सपना देख रहे हो। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाई डू वी ड्रीम एंड लूसिड ड्रीमिंग एंड हाउ कैन वी डू इट। सपने तो हम सब देखते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग सपने क्यों देखते हैं? व्हाई डू वी ड्रीम, हम लोग सपने क्यों देखते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये प्रश्न उन प्रश्नों में से है जिसकी एग्जैक्ट आंसर साइंस को अभी तक नहीं मिली है। हालांकि बहुत सारे थ्योरीज हैं, पर उसमें से बेस्ट थ्योरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इतनी जटिल है कि साइंस की फील्ड में ड्रीम्स को स्टडी करने की एक अलग ही ब्रांच है जिसे हम ओनैरोलॉजी कहते हैं। ड्रीम्स को समझ पाना सच में बहुत ही मुश्किल है, किसी कॉमन पर्सन के लिए भी और साइंटिस्ट्स के लिए भी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने सपने में क्या देखा, तो उनका आंसर हमेशा अनरिलायबल होता है। इनफैक्ट एवरेज में कोई भी इंसान उठने के बस 10 मिनट के अंदर सपने के 90% को भूल चुका होता है। इसलिए जब आप उठते हो तो आपको बस कुछ झलक दिखती है और आप याद करने की कोशिश करने लगते हो कि आपने सपने में क्या देखा। जब आप सोते हो तब आपकी दो ही स्टेट हो सकती है, नंबर 1 रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा नॉन रैपिड आई मूवमेंट। पर इन दोनों में से रेम स्टेज कुछ ज्यादा ही खास है। जब आप रेम स्टेज में होते हो तब सोते समय भी आपकी आंख अंदर ही अंदर राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट घूमती रहती है। आप एक्चुअली इस मूवमेंट को देख सकते हो अगर आप किसी सोए हुए पर्सन की ब्रेन की कंप्यूटर रिकॉर्डिंग करो तो। अगर आप किसी रेम स्टेट में सोए हुए पर्सन की ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखो तब आप विचित्र चीजों को देखोगे। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया कि जब आप जागे हुए होते हो तब आपके ब्रेन में जो एक्टिविटी चलती है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही हलचल आपके ब्रेन में तब होती है जब आप रेम स्टेट में सपना देख रहे होते हो। ये बिल्कुल अजब बात है। इसका मतलब रेम स्टेट में आपकी ब्रेन अच्छी खासी एनर्जी यूज कर लेती है और हम कहते हैं कि हम अपने ब्रेन को आराम दे रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। पर सोते समय कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे हिस्टामिन सेरोटोनिन एक्सेट्रा नहीं निकलते, जिसके चलते जब आप सपना देखते हो तब आप अलग अलग इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पाते हो पर आपका बॉडी नहीं हिल रहा होता है। पर कुछ लोगों में ये केमिकल्स का बैलेंस कभी कभी बिगड़ जाता है और इसलिए सोते समय भी उनका बॉडी हिलने लगता है। और कुछ लोग तो नींद में चलते भी है, जिसे हम लोग स्लीप वॉकिंग कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेम स्टेट में ही कोई जग जाता है पर उसका बॉडी नहीं हिलता। आपको उस समय पता होता है कि आप जगे हो पर आपका माइंड सोचता है कि आप रेम स्टेट में हो। इसे हम स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। जगने के कुछ सेकंड्स बाद तक आप अपने बॉडी को नहीं हिला पाते, पर 8-10 सेकंड्स के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। इससे ये कंक्लूजन निकलती है कि हम लोग रेम स्टेट में सपना देखते हैं, नॉन रेम में नहीं। हम लोग सपना क्यों देखते हैं, इसका एग्जैक्ट आंसर ये है। अब ध्यान से सुनना, दिन के समय आप जो कुछ भी करते हो वो आपके ब्रेन में एज अ मेमोरी रहती है। आपका अनकॉन्शियस ब्रेन एक्चुअली सोने के वक्त उन मेमोरीज को स्कैन करता है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है और उसके बीच में जो कनेक्शंस है उसे मजबूत करता है, ताकि हम लोग नेक्स्ट दिन उस मेमोरी को और भी अच्छे से यूज कर पाए। जैसे मान लीजिए आपने आज गिटार सीखा, उस गिटार का यूज तो आप कल भी करोगे, परसों भी करोगे, हमेशा करोगे। हर दिन के एंड में जब आप सो जाओगे तब आपका अनकॉन्शियस ब्रेन उस गिटार को बजाने की जो स्किल है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर देगी, ताकि नेक्स्ट दिन आप और भी उसे एफिशिएंटली यूज कर पाओ। और आपका अनकॉन्शियस ब्रेन सारे जंक मेमोरीज को क्लियर कर देता है ताकि आपके ब्रेन में जाम ना हो। जब ये सब प्रोसेस चल रहा होता है तब आपका कॉन्शियस ब्रेन समझ नहीं पाता है कि क्या हो रहा है, और वो मेमोरीज जब ऑर्गेनाइज होती है तब आपको रैंडम इमेजेस दिखती है और आपका ब्रेन उन मेमोरीज से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। इसलिए आपको लगता है कि आपने जो सपने में देखा वो तो सेंस बना रही थी, वो तो ऑब्वियस थी। पर ऐसा भी आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आप जो सपना देख रहे हो उसका शायद कोई मतलब ही ना बने। ये तब होता है जब आपको जो इमेजेस दिखती है वो बहुत ही ज्यादा रैंडम हो। पुराने जमाने में लोग घटना को सपना से जोड़ देते थे और सोचते थे कि अगर हम सपने में ये देखेंगे तो वो हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
पर मॉडर्न साइंस ये कहती है कि ड्रीम्स हमारे अच्छे के लिए होती है, क्योंकि उस समय हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन मेमोरीज के बीच कनेक्शन को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, और ये टोटली रैंडम है, और इसलिए सपनों का मीनिंग यानी मतलब निकालने से कोई फायदा नहीं। तो यही था सपनों के पीछे का विज्ञान। अब मैं दूसरी अमेजिंग टॉपिक पे आता हूँ, जो है ल्यूसिड ड्रीमिंग। सबसे पहले ये जानते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग आखिर होता क्या है। जब भी आप कोई ऐसा ड्रीम देखते हो जिसमें आपको पता हो कि आप सपना देख रहे हो, उसे हम ल्यूसिड ड्रीम कहते हैं। आप लोगों में से कई लोग तो इसे एक्सपीरियंस भी करते होंगे, पर जो लोग नहीं करते उनको तो शायद पता ही नहीं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग में कितना मजा आता है। सोचिए कि एक ड्रीम यानी सपना जिसमें आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हो, कितना मजेदार होगा ना ये। पर्सनली मैं तो यही सोचता हूँ कि ल्यूसिड ड्रीम की सपने की दुनिया हमारे असल दुनिया से ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि सपने में मैं अगर ये जान लेता हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक होता हूँ। इसे करने के लिए आपको 40 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ये इतना आसान है जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको बहुत सारे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है एक ड्रीम जर्नल को बनाना, मतलब आप डेली सुबह उठोगे और अपने डायरी में लिख दोगे कि आपने आज सपने में क्या देखा। इस काम को आपको डेली करना होगा, इससे ये होगा ना कि आपको पता चल जाएगा और आप कॉन्शियस हो जाओगे कि आप किस तरह के सपने को देखते हो, और इस ट्रिक से आपके सपने को रिकॉल करने की शक्ति भी काफी बढ़ जाती है। और इसलिए जब आप सपने देखोगे, तब आप जब सपना देख रहे होगे तब आपको पता चल जाएगा कि अरे ऐसी सीन तो मैं अक्सर सपने में ही देखता हूँ, अरे 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 तो ये सपना है, और बस आप अवेयर हो जाओगे और बस शुरू हो गई ल्यूसिड ड्रीमिंग। फिर आप सपने में जो चाहे वो करो। मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि यार अब ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए एक डायरी कौन बनाएगा, तो उन लोगों के लिए मेरे पास एक और तरीका है, उसका नाम है रियलिटी चेक। इस मेथड में क्या करना है आपको सुन लो। अभी आप जागे हो, ठीक है, तो आपको अभी जागे हुए स्टेट में ही रियलिटी चेक करने की आदत डालनी है। मतलब अगर आप मेरी ये वीडियो स्मार्टफोन में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके कहीं दूर देखो और बड़ी गहराई से इस दुनिया को देखो और पूछो अपने आप से कि ये सब रियल है कि नहीं, कहीं ये सपना तो नहीं। इसे आप दिन भर में 4-5 बार करना। इससे क्या होगा ना कि आपकी आदत बन जाएगी और आप समय समय पर रियलिटी चेक करोगे, ये आपकी नेचर बन जाएगी। पर ऑफ कोर्स रियल लाइफ में तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि ये सपना नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है। पर मजेदार चीज तब होगी जब आप सपने में होंगे और उसी रियलिटी चेक की आदत के चलते आप सपने में अपने आप से पूछोगे कि ये कहीं सपना तो नहीं, और बस उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आप सपना देख रहे हो, और बस और फिर आपका जो मन में आए वो करो। ल्यूसिड ड्रीमिंग का तीसरा तरीका है निमोनिकली इंड्यूस्ड ल्यूसिड ड्रीमिंग, जिसे हम माइल्ड भी कहते हैं। ये तरीका और भी ज्यादा सिंपल है और आप इसको आज रात ही ट्राई करना। ये तरीका सक्सेसफुल होता है कि नहीं ये कमेंट में मुझे जरूर बताना। करना आपको ये है, जब आप रात को अपनी आंखें बंद करोगे तब आप कोई भी सीन को याद करना जो आप अक्सर अपने सपने में देखते हो, और आप ये सोचना शुरू कर देना कि आप ल्यूसिड हो रहे हो। इससे आपकी ल्यूसिड ड्रीमिंग की चांसेस और भी बढ़ जाएगी। आप ये सोचते रहना कि मुझे आज ल्यूसिड ड्रीमिंग होगा, मुझे आज ल्यूसिड ड्रीमिंग होगा, मुझे आज ल्यूसिड ड्रीमिंग हो के ही रहेगा। अब मानो या ना मानो, पर ये कुछ लोगों में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। जब आप कुछ मान लेते हो तो वो आपके साथ सच में होने लगता है, जिसे हम प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जब आप सोचते रहते हो कि आप आज ऐसा सपना देखने वाले हो जिसमें आप कॉन्शियस होगे कि आप सपना देख रहे हो, तब आपका ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करने लगता है। ट्राई करो इस ट्रिक को, शायद ये काम कर जाए। अगर ये पिछली ट्रिक काम कर गई तब आप और एक एडवांस्ड तरीके को फॉलो कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वाइल्ड वेक इंड्यूस्ड ल्यूसिड ड्रीमिंग। इसमें आपको करना ये है, जब आप सोओगे तब आप अपने मन में कहते रहो कि आप जगे हुए हो, मैं जगा हुआ हूँ, मैं जगा हुआ हूँ। इससे आप कॉन्शियस हो जाओगे और बहुत समय तक कॉन्शियस रहोगे। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। स्लीप पैरालिसिस एक बड़ी अजब स्टेट है। ये एक फैक्ट है कि दुनिया के जस्ट 8% लोगों को ही स्लीप पैरालिसिस होता है। जी हाँ, सिर्फ 8।
पर्सनली मैंने कई बार स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है। पहली बार जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया था तो मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत डर लगा था। इस टेक्निक में जब आप अपने आप को बोलोगे कि मैं अवेयर हूँ कि मैं सपना देख रहा हूँ, तब आप जब सो जाओगे ना तभी आप अवेयर रहोगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि सोने के बाद आप अपने शरीर को हिला नहीं सकते, तो इसलिए आप अवेयर रहोगे कि आप सपना देख रहे हो, पर आप अपने शरीर को हिला नहीं पाओगे और ना आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। मैं जब भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस